वाराणसी जनपद के सेवापुरी ब्लॉक के विपणन गोदाम पर ताला बंद कर कोटेदारों ने किया धरना प्रदर्शन। कोटेदार बोले सरकार मांगे नहीं मानी तो वोट का करेंगे बहिष्कार। कोटेदार अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर है लामबंद। फेयर प्राइस साफ डीलर एसोसिएशन के बैनर तले कोटेदार पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें वाराणसी जनपद के सेवापुरी में कोटेदारों के इस प्रदर्शन का नेतृत्व प्रभुनाथ पांडे ने किया। प्रदर्शन के दौरान उपदेश मिश्रा, कमालुद्दीन, विनोद सिंह, पन्नालाल गुप्ता, सहनवाज, संतोष श्रीवास्तव, दिनेश गुप्ता, तूफानी, राजेश कुमार, मुन्नालाल, दीपनाथ सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। वाराणसी से बीबीसी रिपोर्टर प्रशांत पांडे की ये रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो चाहे। आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रभु नारायण पांडे, मनियारीपुर कोटेदार। आज आप लोगों का क्या मामला है? मामला हम लोगों की कोई मांगे सरकार ने नहीं मानी और हम लोग विगत 2-3 महीने पहले जो है धरना प्रदर्शन किए थे मैं ज्ञापन के साथ, और प्रशासन से हम लोगों को यही आश्वासन मिला था कि 1 महीने में आप लोगों की सारे समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। आज तक हम लोगों के किसी भी एक भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। और जो खाद्य सुरक्षा 2013 लागू है उस अधिनियम का एक भी पॉइंट हम लोगों के लिए नहीं है, और जनता परेशान है ई पास मशीन से, हम लोग परेशान हैं। और 5 तारीख से वितरण शुरू करके हम लोग आज जो है 30 तारीख तक, 31 तारीख तक परेशान हैं। न मशीन, कभी सर्वर नहीं चलता है तो कभी अंगूठा नहीं लेता है तो बैटरी भाग जाती है, और जब भीड़ चपती है तो पब्लिक हम लोगों से आक्रोशित होकर के अब शब्दों का प्रयोग करती है। हम लोग कितना झेल रहे हैं ये समस्या, सरकार के आज तक कान में कोई जून नहीं देगा। और हम लोग अगर यही स्थिति हम लोगों के साथ बनी रही तो हम लोग अब जो है वोट का एकदम बहिष्कार करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग सरकार को जहाँ तक होगा घेरेंगे। हम लोगों के पास जितनी शक्ति है हम लोग ताकत लगा करके अपने इष्ट मित्र सहयोगी लोगों के साथ वोट का निश्चित रूप से बहिष्कार करेंगे ताकि ये इनके जो है मनसा ध्वस्त हो जाए। आंदोलन आपका ये कब तक चलेगा? आंदोलन जब तक हमारे मांगों को नहीं माना जाता है हम लोग ऐसे ही आंदोलन कार्यरत चलाते रहेंगे। आप लोग अपनी लड़ाई की जानकारी जिले के आला अधिकारियों को दिया है या नहीं? जी, DM साहब से लेकर के DSO साहब से लेकर के और मुख्यमंत्री तक करीब करीब ज्ञापन पहुंच चुका है। अधिकारी यदि आप लोगों की मांगे नहीं मानते हैं तो फिर आगे आंदोलन की रणनीति क्या होगी? आगे आने वाले आंदोलन की रणनीति अगर अधिकारी लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग आमरण अनशन, आत्मदाह या जरूरत पड़ा तो घेराव, या हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है।